हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चली हुई थी हमारी, उसको कंटिन्यू करेंगे आज। और जो पिछले सालों में एचएसएससी द्वारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं को आज डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज, देखो ये कोई भी ट्रायंगल दे रखी है और ये इसकी हाइट है, ठीक है। हाइट से बेस 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, ठीक है। यानी ये हाइट है और ये बेस है और ये 3 सेंटीमीटर ज़्यादा दे रखा है, ठीक है। मान लो ये एक्स था और ये एक्स प्लस 3 हो जाता है, ठीक है। और एरिया ऑफ द बेस, ठीक है, एरिया ऑफ द बेस कितना दे रखा है, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें बताना था कि बेस की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखो, कोई भी ट्रायंगल होता ना, उसका बेस और हाइट दे रखी है, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, समबाहु हो, राइट एंगल हो, तो उसमें एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, बेस इनटू हाइट, ठीक है। एरिया की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 20, हाफ बेस, बेस कितना दे रखा है, एक्स प्लस 3, और हाइट कितनी है, एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आया, क्वाड्रेटिक बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सोल्व करना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, एक्स प्लस 60, एक्स माइनस 5, ये इसके फैक्टर बनेंगे। और यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू माइनस 8, ठीक है। माइनस में कोई भी त्रिभुज की साइड नहीं हो सकती, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ द ट्रायंगल आई वो कितनी आई, 5 सेंटीमीटर, और जो बेस की वैल्यू आई वो कितनी आई, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, काफ़ी आसान था। बस आपको एक ये बेसिक सा फार्मूला पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को आसन को जोड़ा जाता है, ठीक है। देखो ये कोई भी क्यूब है, इसकी भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यूब की 6 भुजा होती है और 6 की 6 भुजा इक्वल होती है, ठीक है, यानी 6 की 6 साइड की वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। सॉरी, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, 3 क्यूब है, ठीक है, छः सेंटीमीटर साइड दे रखी और ये 3 क्यूब है, ठीक है। और इनको एडजस्ट, मतलब आसन, इनके आसन को जोड़ा जाता है। आसन का मतलब क्या है, देखो ये क्यूब है, ये कोई दूसरा क्यूब है, ठीक है। तो इनको एडजस्टेंट साइड में जोड़ा जाता है, ठीक है, और ये तीसरा क्यूब है, ठीक है। तो इनको ऐसे जोड़ा जाता है। तो इसने पूछा, अगर 3 क्यूब को हम ऐसे जोड़े तो जो सरफेस एरिया की वैल्यू होगी ना, वो कितनी होगी, ठीक है। देखो इसमें एक समझने वाली बात क्या है, आप इसको इमेजिन कीजिए, ये 2 हाथ है, ठीक है, इस हाथ के 2 सरफेस है, एक ये सरफेस है और एक बाहर वाला सरफेस है, 2 सरफेस है, ऐसे ही इस हाथ के 2 सरफेस है, ठीक है। अगर मैं इनको दोनों को मिला दूं और अब आपसे पूछूं इसके कितने सरफेस बचे, तो इसके सिर्फ 2 सरफेस बचे, दोनों बाहर वाले, ठीक है, जो अंदर वाले थे वो मिल गए, ठीक है, तो इस सिर्फ 2 सरफेस बचे। ऐसे ही इस केस में क्या होगा, देखो इस क्यूब के 6 सरफेस थे, क्योंकि ये मैंने 2D में बनाया, इसलिए आपको 4 ही दिखाई दे रहे, 6 सरफेस थे। तो इसमें देखो ये सरफेस मिल गए दोनों, ठीक है, मतलब ये दोनों सरफेस खत्म, ऐसे ही ये दोनों सरफेस खत्म,
ठीक है। तो अब आप देखिए, छैतीय 18 सरफेस होने चाहिए थे हमारे पास, ठीक है, अगर ये अलग अलग होते तो। लेकिन यहाँ पे दो सरफेस ये और दो ये, चार सरफेस हमारे ख़त्म हो गए, ठीक है। तो कितने सरफेस बचे? 14 सरफेस। और एक सरफेस का एरिया कितना होता है? देखो जो क्यूब होता है ना, उसका प्रत्येक सरफेस एक स्केयर की फॉर्म में होता है। और उसका एरिया कैसे निकालते हैं? साइड का स्केयर, यानी 6 × 6 = 36 सेंटीमीटर स्केयर, ठीक है। ये एक सरफेस का एरिया है, और सरफेस कितने हैं? 14। तो 14 को हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 504 सेंटीमीटर स्केयर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखो इसका एक दूसरा तरीका भी है, अगर मैं इसको देखो, अब ये क्या बन गया? क्यूबॉइड बन गया, ठीक है, क्यूबॉइड बन गया। इसकी ये साइड भी 6 थी, ये भी 6 थी और ये भी 6 थी, ठीक है। जो लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड कितनी हुई यहाँ पे? 18 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ की बात करूँ तो वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और हाइट की बात करूँ वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल लोगे तो भी इतना ही आएगा हमारा आंसर। इसके ये आप या तो ये इस तरीके से करें या फिर इस तरीके से करें, ठीक है, दोनों से आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आपको पूछूँ आपने क्या सीखा, तो जो क्यूब का सरफेस एरिया निकालते हैं हम तो क्या होता है? 6a², ठीक है नहीं, क्योंकि 6 सरफेस होते हैं और एक सरफेस का एरिया क्या होता है? 6a². देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। ए सॉलिड मेटेलिक कोन ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, देखो कोई भी कोन था ये, ठीक है, हाइट 10 सेंटीमीटर, जो इसकी हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ द बेस दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं 4 सेंटीमीटर डायमीटर, यानी जो डायमीटर दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर की, कितनी स्फेरिकल बॉल बनाई जा सकती है, ठीक है। देखो जब कोई भी एक शेप से हम दूसरी शेप में जाते हैं, ठीक है, हम स्फीयर से ट्रायंगल में जाए या फिर ट्रायंगल से कोण से स्फीयर में जाए, कोई भी आकृति का चेंज होता है एक आकृति से दूसरी आकृति में, तो उसमें एक चीज़ कॉन्स्टेंट रहती है, वॉल्यूम, ठीक है। जो इसका वॉल्यूम है और जो हम नई चीज़ बना रहे हैं, उन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो इसका वॉल्यूम निकालते हैं हम, कोण का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? 1/3 πr²h। उम्मीद करता हूँ तो इतना तो आपको पता होगा, ठीक है, 1/3 πr²h, ठीक है। मान लो हमने एन बॉल बना दी स्फेरिकल, ठीक है, एन बॉल बना दी, और एक बॉल का एरिया क्या होता है? 4/3 πr³, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दिया। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे, देखो 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। यहाँ क्या r²h, r की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर का स्केयर इनटू में h, h कितना है? 10 सेंटीमीटर इक्वल टू n, ठीक है, 4r³। r कितना इसमें? देखो डायमीटर दे रखा था 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आई? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2³ यानी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बस ये छोटी सी कैलकुलेशन करनी थी, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आया? 32 * 32 = 8 / 32 = 64 / 32 = 160, ठीक है। तो हमारे पास स्फेरिकल गेंद कितनी बनेगी? 125, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस इसमें हमने क्या करना था, इसमें तीनों ये जो भी दो शेप थी दोनों का वॉल्यूम इक्वल करना था, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर चार जैसे ही आपके स्क्रीन पे आता है तो खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर चार है ए की तीन प्लस बी की तीन, ठीक है, एंड ए की फोर माइनस बी की फोर, इनका हमें एलसीएम निकालना था, ठीक है। देखो वैसे एलसीएम का कंसेप्ट काफ़ी आसान है, लेकिन काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इनको ए और बी को देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे निकालते हैं ए की तीन प्लस बी की तीन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसका फार्मूला पता होगा, ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, ठीक है। ये तो हो गया इसका फार्मूला। अब इसको अगर मैं देखूं, इसको कैसे खोलेंगे, देखो ए की फोर माइनस बी की फोर, देखो अगर ए स्केयर माइनस बी स्केयर दे रखा है तो इसको कैसे खोलते हैं हम, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे इवन पावर है, अगर यहाँ पे पावर फोर होती है तो उस केस में क्या करते हैं, ए की फोर माइनस बी की फोर, इसको कैसे खोलेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर ए स्केयर माइनस बी स्केयर था ना, तो हमने यहाँ पे सिंगल पावर में खोल दिया ए माइनस बी ए प्लस बी, पावर फोर थी तो यहाँ पे स्केयर में खोल दिया, ठीक है। तो इसको कैसे खोलेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, आगे क्या है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। तो अब इसमें देखो इसको भी हम आगे खोल सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब हमने क्या करना, देखो हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गए, अब इसमें और इसमें हमने क्या निकालना था, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दोनों में कम से कम होना चाहिए वो। देखो मैंने ये आपको ये बात पहले भी समझाई है, एलसीएम का नाम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, यानी हमें हर वो फैक्टर लेना है इसको कैलकुलेट करते टाइम जो कम से कम एक बार आया हो, ठीक है। देखो ए प्लस बी इसमें है इसमें है, ठीक है, तो इसको भी हम लेंगे ए प्लस बी, ठीक है, इसका खेल ख़त्म। आगे क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, ये भी एक बार आया है, इसको भी लेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, ठीक है, इसका खेल ख़त्म। अब आगे देखो ए माइनस बी, ए माइनस बी इसमें नहीं है तो इसको भी लेंगे एक बार ए माइनस बी, ठीक है, इसका खेल ख़त्म। ए प्लस बी आ चुका है पहले, लेकिन इसको हमने नहीं लेना। आगे क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। तो अब देखो हमारा ये एलसीएम आ गया, लेकिन इसको थोड़ा जैसे ऑप्शन की फॉर्म में निकालते हैं, ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, देखो ये क्या बन गया हमारा, ये शुरू वाला तो बन गया ए की तीन प्लस बी की तीन का फार्मूला, ठीक है। तो ए की तीन प्लस बी की तीन, इसको हमने वापस एक सिंप्लीफाइड करके लिख दिया। आगे क्या है, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। देखो ये था हमारा आंसर, जो ऑप्शन दे रखा था ना उसके हिसाब से, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। बस आपको एलसीएम का जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए, तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर पाँच, राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है, द लेंथ ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल की साइड कितनी दे रखी, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड आउट द पेरीमीटर, हमें क्या निकालना था, पेरीमीटर यानी परिमाप। तो परिमाप की वैल्यू क्या होती है, परिमाप बोलो या फिर पेरीमीटर, परिमाप कैसे निकालती है, कोई भी शेप है हमारे पास उसकी सभी साइड को अगर हम जोड़ दे तो हमारे पास क्या आएगा, पेरीमीटर। लेकिन इसने क्या दे रखा है, दो साइड दे रखी है, हमारे पास तीसरी साइड नहीं है, ठीक है। तो तीसरी साइड राइट एंगल ट्रायंगल में निकालना काफ़ी आसान होता है,
ठीक है। तो देखो एक साइड 5 है, एक 12, तो तीसरी साइड क्या होगी, 13 सेंटीमीटर। तो ये मैंने एकदम से कैसे बता दिया 13 सेंटीमीटर होगी। देखो आपने अगर ट्रिपलेट का पता है 5, 12, 13, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 3, 4, 5, ठीक है। देखो अगर आपने इनका पता है, देखो अगर दो साइड है ये, मान लो दो साइड 5, 12 है, तो तीसरी साइड ऑटोमेटिक 13 होगी, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर दो साइड 8 और 15 है तो तीसरी साइड 17 होगी। अगर आप तैयारी करते हैं ना तो आपको इन इनसे गो थ्रू होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, इससे आपकी क्या होता है, एग्ज़ाम में आपकी हेल्प मिलती है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। देखो हमारे पास तीनों साइड आ गई 12, 13 और 5, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर। माइक्रो सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल की थोड़ी सी समझ थी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, जीपी से, ठीक है। 5 नंबर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 32। देखो 5 नंबर है, वे क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी में है, तो हमें क्या निकालना था, तीसरा नंबर की वैल्यू निकालनी थी कि तीसरा नंबर क्या होगा। देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता ना, अगर हमें 5 नंबर कंसिडर करने पड़ जाए कि 5 नंबर कौन से है, यानी हम मान लेते हैं ना, तो कौन कौन से मानेंगे। देखो 5 नंबर है, तरीका बताता हूँ आपको, 5 नंबर है ये, तो इसमें क्या करना, जो बीच वाला नंबर है ना उसको आप ए मान लो, बीच वाला नंबर को ए मान लो, जो इससे अगला है ना उसको आर से मल्टीप्लाई कर दो, ए आर, फिर उससे अगला उसको फिर आर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या होगा, ए आर स्क्वायर। जो इससे पीछे वाला है ना उसको आर से डिवाइड कर दो, अब इससे पीछे वाले को फिर आर से डिवाइड कर दो, ए आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये 5 नंबर है, अगर देखो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये नंबर मानने का फायदा क्या, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कैलकुलेशन कैसे आसान होगी वो अब आप क्वेश्चन में देखेंगे। देखो 5 नंबर है, इसने क्या बोला, 5 नंबर की प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है 32। देखो इनकी प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा, 32 ठीक है। देखो यहां से r square से r square cancel, ठीक है। तो यहां पे क्या बचा, a बचा, यानी a की 5। देखो हमारे पास r का झंझट ही खत्म हो गया, अगर हमने इस हिसाब से मानना तो, ठीक है। अगर आप कुछ और मानोगे ना तो उससे हमारी कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाएगी। तो देखो इससे a की 5 कितना आ गया, प्रोडक्ट कितनी दे रखी इसने 32, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था 2, 3 और 5, ये 3 नंबर ऐसे है, इनकी आपको 10 तक पावर याद होनी चाहिए। तो अगर देखो ये क्या, 2 की पावर 5 किसके इक्वल होता है, 32 के, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई, 2। तो उम्मीद करता हूँ देखो आपको ये 5 नंबर मान ज़ूम करने पड़ जाए ना एग्ज़ाम में, तो आपको ये ज़ूम करने हैं। मैंने तरीका बता दिया, बीच वाले नंबर को आप ए मान लो। अगर आपने 3 नंबर, देखो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना वो 3 और 5 पे ही आते हैं, अगर आपने 3 नंबर कंसिडर करने पड़ जाए जीपी में, तो क्या करेंगे, बीच वाले नंबर को ए मानो, इसको आर से मल्टीप्लाई करो, इसको आर से डिवाइड करो, ठीक है। तो ये 3 नंबर हमारे जीपी में हो गए। तो यहाँ से कोई भी कैलकुलेशन होगी ना वो काफ़ी आसान हो जाएगी। देखो ये सीरीज चलाने का मकसद ये है कि आप पूरे मैथ में से एक साथ गो थ्रू हो जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, 2 जहाज है समुन्द्र में तैर रहे हैं, ठीक है। ये कोई भी लाइट हाउस है, ठीक है। एक जहाज इस साइड है, एक जहाज इस साइड है, ठीक है। तो यहाँ से देखो
एक एंगल दे रखा 30 डिग्री, एक एंगल दे रखा 45 डिग्री और ये 100 मीटर ऊंचा है। तो हमने क्या बताना था, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए भी सोल्व कर सकते थे, ठीक है। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको पहले ही बताया, ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हुआ 60 और ये 90 होता हमारा। तो इसमें क्या होता है, मान लो 30 के सामने वाली साइड कुछ भी है, एक्स है, तो 60 के सामने वाली साइड निकालनी पड़ जाए तो उसको हम अंडरूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देखो 30 के सामने वाली साइड दे रखी, ये एंगल 30 है तो ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 90 है, ऐसे ही ये एंगल 45 है, ये 90 है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो अब आप देखो 30 के सामने वाली साइड कितनी दे रखी है 100 सेंटीमीटर, तो 60 के सामने वाली साइड कितनी होगी 100√3। और 45 के सामने वाली साइड कितनी दे रखी है 100 सेंटीमीटर, तो इस 45 के सामने साइड कितनी होगी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है तो इसके आमने सामने की साइड भी इक्वल होगी। तो देखो दोनों जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी 100√3 + 100, यानी 100√3 + 100। तो यहाँ से 100 कॉमन लिया कितना आया √3 + 1, 100√3। √3 की वैल्यू क्या होती है, देखो 2 की वैल्यू क्या होती है 1.41, 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। ये दो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया 2.73 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा हमारा आंसर 273 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या फिर मीटर जो भी ये दे रखा है। तो देखो काफ़ी आसान था, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल आता है समझ में, मैंने इस पर एक कम्प्लीट वीडियो भी बना रखी है, अगर आपको समझना उसके बाद आप राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, दो कोसिकेंट स्केयर, 12th में आपको काफ़ी परेशान किया हुआ इन्होंने क्योंकि ये सबसे हार्ड मानी जाती है, लेकिन होती नहीं है अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो। देखो हमसे x की वैल्यू पूछी थी इसमें, अगर आपको ये वैल्यू याद है फिर तो ये क्वेश्चन है ही नहीं है। आपको वैल्यू याद क्या होनी चाहिए, देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक है। अगर मैं कोस 30 की पूछूं, सॉरी कोस 60 और साइन 30 की इक्वल होती है वैल्यू, साइन 60 और कोस 30 की इक्वल होती है। अगर कोसिकेंट की बात की जाए, कोसिकेंट क्या होता है 1/sin, यानी कोसिकेंट की वैल्यू आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं अगर आपको साइन की वैल्यू याद है। तो देखो HSC है ना, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है ट्रिग्नोमेट्री से। देखो दो कोसिकेंट स्केयर 30, यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 और कोसिकेंट 30 की क्या होगी 1/2 का उल्टा यानी 2 का स्केयर प्लस एक्स। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इसका स्केयर माइनस 3/4 10^30, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 का स्केयर इज इक्वल टू 10, ठीक है।
तो यहां से क्या आएगा, 8 प्लस इसको सोल्व करें कितना आएगा, 3/4 एक्स माइनस यहां से कितना आएगा, 3 से 3 कैंसिल यानी 1/4 इज इक्वल टू 10। तो इसको सोल्व करेंगे आगे, 800 का 32 प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 40। मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो यहाँ से क्या आएगा, 3x किसके इक्वल आएगा, 9 के, और x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। ठीक है, तो काफ़ी आसान था अगर आपको ये वैल्यू याद है तो, ठीक है, और याद करनी पड़ेगी क्योंकि आप कोई भी टॉपिक स्किप करके नहीं चल सकते। तो ये था आज की वीडियो में आज के क्वेश्चन। मैं ये क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो आप अगर सोल्व करना चाहते हो तो एग्ज़ाम टाइम काफ़ी नज़दीक है, तो तैयारी करते रहिए, दिन रात एक कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।